आपको फैसला आने वाले दिनों के अंदर आपको करना है। लेकिन नई ताकत के साथ हमारे नौजवान, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनों से मैं कहना चाहूंगा, एक नई ताकत के साथ हम लोगों को इस वार्ड के इलेक्शन के अंदर तीनों पैनल के अंदर राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को कामयाब करना अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुफ्ती इस्माइल साहब को जन बच्चे की भी कुर्बानी याद दिलाई जा रही है। मैंने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा कि हमने कुर्बानी दी एमएलए बनाने में, मेरे भाई ने दी, मेरे बाप ने दी, मेरे बच्चे ने दी, उसके बच्चे ने दी, नवासे ने दिया, किसने किसने दिए, इतनी लंबी फहरिस्त थी। क्या जरूरत पड़ गई कि कुर्बानी याद दिलाना पड़ गई? क्यों ऐसी नौबत आई? अब तो तुमको कुर्बानी लेना ही लोगों, तुमको कुर्बानी। कैसी कुर्बानी? मुफ्ती इस्माइल को चुनकर लाने के लिए इन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और आपके नुमाइंदे को हराने का काम किया, मुझको हराने का काम किया। अब तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर अब इन्होंने कुर्बानी दी दूसरे के लिए, अब इनकी कुर्बानी तुमको लेना है और इनको घर का रास्ता बताने का काम। दादागिरी की भाषा अब शायद वो भूल गए। अरे बहुत बुजदिल लोग हैं, यकीन जानो, मेरा चैलेंज है वार्ड के एक राष्ट्रवादी के वर्कर को सिर्फ हाथ लगा के बता दो, सिर्फ उसको टच करके बता दो। मेरा चैलेंज है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये शरद पवार साहब से नरेंद्र मोदी डरता, और ये सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है इस महाराष्ट्र में, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता है। अगर हमारे वर्करों को किसने हाथ लगाया तो मालेगांव से लेकर मुंबई तक तहलका मच जाएगा, याद रखना। और उसकी आग कहां बुझेगी? बंगले के अंदर बुझेगी, बंगले के अंदर। और बंगले के अंदर बुझेगी और सवारी ठंडी सेंट्रल जेल की लॉकअप में होगी, सेंट्रल जेल की लॉकअप में। अभी तक तुमने जेल सही देखा नहीं, संडास भी वही करना पड़ता, सोना भी वही पड़ता, खाना भी वही पड़ता, सिर्फ गरीबों के ऊपर दादागिरी करके इसको दादागिरी नहीं बोलते। ये गरीब है, कभी शेख रशीद परिवार ने गरीबों के ऊपर दादागिरी नहीं की। बड़े बड़े हमारे बराबरी वालों से दादागिरी की हमने,
अपने अखबार के अंदर पढ़ा, आज एक अखबार के अंदर खबर छपी कि गुरुवार वार्ड के अंदर तामीरी काम सिर्फ हमने किया है। जब 1999 में ये शहर के झोपड़पट्टी के गरीबों का कोई रखवाला नहीं था तो शेख रशीद साहब अल्लाह ताला ने रखवाला बन के शहर के अंदर पैदा किया और आपको सरपरस्त बनाने की शुरुआत की। लीडरी हमको मत बताओ, हम कभी मैनेज नहीं हुए मैनेज, कभी वोट को बेचने का काम नहीं किया। गरीबों से वोट लेना किसी की झोली में डाल देना, गरीबों से वोट लेना किसी के चरणों में चढ़ा देना, इतिहास गवाह इतिहास, कभी वो काम हमने नहीं किया। तो तुम्हारा इतिहास देख लो, जिंदगी भर तुमने इस गरीबों की वोट को बेचने का काम किया है, सौदा करने का काम किया है, इतिहास देख लो। हमेशा गरीबों को धोखा देने का काम किया और अल्लाह का करम है कि अगर इस शहर के अंदर झोपड़पट्टियों में काम अगर नजर आता है, अगर झोपड़पट्टी के अंदर सहूलत नजर आती है, अगर झोपड़पट्टी की आवाम खुशहाल जिंदगी गुजारती है, तो अल्लाह के बाद शेख रशीद आपका रखवाला था और अल्लाह ने शेख रशीद को आपको शेख रशीद साहब को आपके बीच में उतारा ताकि आप खुशहाल रहो। ये कोई छुटला नहीं सकता। कोई छुटला नहीं सकता। पीछे इलेक्शन भी लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ गुजारिश करता हूं कि आप ये शहर की सियासत को सिर्फ समझ लो, दिमाग में बैठा लो आज शहर में क्या चल रहा है। शहर के अंदर गठबंधन तैयार होगा, कमेटी बन रही, सदारत इसको जाने वाली है, सदारत उसको जाने वाली है, सीट उसको इतनी मिलेगी, उसको इतनी सीट मिलेगी, ये बात शहर में चल रही है। मैं यकीन के साथ बोलता हूं, अगर जनता दल से गठबंधन होगा तो बिगर पैसे का गठबंधन नहीं होगा, उनसे भी पिस्सी उठाई जाएगी, उसके लिए कमेटी बन चुकी है। और ये तो चरणों में जाके सदारत दे दे रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर जाकर बोल दिए कि अवेसी साहब जब तक हम नाड़ी को नहीं लटकेंगे, हम चून कर नहीं आएंगे, क्यों ना ये सदारत दे दी जाए, उसमें भी हमको चलेगा, लेकिन ये आदमी हमारे साथ ही होना। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों दलाली कर रहे हो सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टरों की, आप क्यों दलाली कर रहे हो एफडीओ के डिपार्टमेंट की, आप क्यों दलाली कर रहे हो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की, आप क्यों दलाली कर रहे हो संजय निराधार की, आप डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की आपकी तो आदत है, लेकिन आप तुम तमाम ही डिपार्टमेंट की दलाली करने लगे हो, उसका जवाब ही शहर के आवाम को दो, उसके बिगैर चलने वाला नहीं है। अब आपको जवाब ये शहर के आवाम को देना होगा और ये शहर के नौजवान इनसे हिसाब आपको मांगना पड़ेगा। मैंने
मैंने शहर के नुमाइंदे से कहा था कि 3,000 करोड़ का जवाब दो जो आप दिल्ली से लाने वाले हो। उन्होंने मुस्कुरा दिया कि शेख आसिफ के मुंह में घी सक्कर। अगर मैं इनकी जगह रहता तो बोलता कि मैं केस कर रहा हूं, माफी मांग, तूने इल्जाम लगाया। लेकिन नुमाइंदे ने क्या कहा कि शेख आसिफ के मुंह में घी सक्कर, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। इसका जवाब है शहर की आवाम को होना कि शहर के नुमाइंदे को शहर के विकास के लिए भेजा गया कि 1,000 करोड़ रुपया खुद का घर भरने के लिए किया गया। ये जवाब ही शहर की आवाम को चाहिए। कोई जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक एक जवाब, एक एक सवाल किया जाएगा, एक एक जवाब मांगा जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज ये जलसे में मैं नहीं आने वाला था, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है रौनकाबाद के जलसे से। लेकिन यकीन जाना, शरीफ मंसूरी साहब और इनके साथियों को मैंने वादा कर लिया था कि नहीं, मैं जरूर आपके प्रोग्राम के अंदर आऊंगा। मैंने जारी किया और मैं आज इस बात का ऐलान करके जा रहा हूं सब लोगों की मौजूदगी में, शरीफ मंसूरी साहब के परिवार के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का एक टिकट रहेगा। बाकी जो टिकट का ताल्लुक है वक्त पर फैसला किया जाएगा। ये बात का आज मैं ऐलान करके जा रहा हूं, क्योंकि हमने नसीम भाई ने और हमने असेंबली के वक्त भी वादा किया था और आज भी हमने वादा किया, और आज मैं ऐलान करके जा रहा हूं राष्ट्रवादी का मालेगांव शहर में पहला टिकट हम